देखिए, मिर्च एक बहुत ही प्रमुख फसल है जिसे कि किसान भाई काफ़ी अच्छा आर्थिक लाभ कमाते हैं। हरी मिर्च की खेती हमारे झारखंड प्रदेश में भी काफ़ी बड़े पैमाने पे होती है और गर्मी के मौसम में भी, बरसात के मौसम में और दोनों मौसम में इसकी खेती की जाती है। सबसे पहले तो मैं बता दें किस तरह की भूमि इसकी खेती के लिए अच्छी होती है। खेती की बात हम करते हैं, ऊपरवार ज़मीन जिसमें जल भराव की समस्या ना हो, जैविक जीवांश की उचित मात्रा हो, मिर्च की खेती के लिए बहुत ही अच्छी पाई गई है। अच्छे ढंग से खेत की जुताई करके दो तीन बार समतल करके उसमें हम लोग उठी हुई क्यारियाँ बनाते हैं, फिर प्रोट्रे में बिजला उत्पादन करते हैं, उसके बाद प्लास्टिक मल्च से उस बेड को ढक करके 60 बाई 45 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लगाते हैं बदल को। सबसे पहले हम बिछड़ा उत्पादन की बात और किस्मों की करते हैं। मिर्च की सबसे हम लोग अपने अनुसंधान केंद्र प्रभाव प्रणालियों से भी स्वर्ण प्रफुल्या नाम की एक किस्म हम लोगों ने विकसित किया है जो कि काफ़ी लंबी होती है और उसका उत्पादन क्षमता भी करीब 250 से 300 क्विंटल के आसपास हरी मिर्च निकलती है। तो किसान भाई अच्छे ढंग से प्रोट्रे में बिछड़ा उत्पादन करके जब बिछड़ा हमारा 4 से 6 पत्ती वाली अवस्था पे हो जाए तो उठी हुई क्यारियों में 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन दूरी और 30 से 45 सेंटीमीटर पौधे के पौधे की बीच की दूरी पे लगाते हैं। और बहुत सारे किसान भाई तो अपने खेत में लगा भी चुके होंगे, जो नहीं लगाए हैं अभी इसी महीने लगा लेंगे। इसके बाद जाड़े के मौसम में हरी मिर्च निकलेगी और इसके बाद गर्मा मौसम में भी फरवरी मार्च में भी किसान भाई मिर्च की खेती करते हैं और अधिक फायदा कमाते हैं। सर, अगर झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के परिदृश्य किस तरह का जो मिर्च है वो लाभकारी है? देखिए, यहाँ पे तो हम तो कहते हैं जो बरसात में मिर्च का उत्पादन जो किसान भाई करते हैं, जो अगस्त सितंबर जुलाई में जो निकल के बाजार में आता है, तो बड़ा अच्छा भाव मिलता है क्योंकि बारिश के कारण मैदानी क्षेत्रों में हरी मिर्च की फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। जो किसान भाई अपनी समय से बरसात के मौसम में लगा दिए होंगे, चाहे वो जून का आखिरी सप्ताह हो या जुलाई का प्रथम सप्ताह हो, उनके खेत में मिर्च की तुड़ाई शुरू हो गई होगी। और मिर्च को तो सबसे बड़ी समस्या है कि इसको हरी मिर्च को तोड़ के बाज़ार में उसी दिन ही भेजना ठीक रहता है क्योंकि लंबी दूरी की बाज़ार के लिए हम लोग प्लास्टिक ट्रे उसमें भेज सकते हैं, लेकिन स्थानीय बाज़ार के लिए समय समय पे तुड़ाई करते रहना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब हम लंबे समय तक पौधे पे किसी भी फल को रखते हैं तो उससे उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। तो समय समय पे तुड़ाई करके और खरपतवार नियंत्रण तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसान भाई प्लास्टिक मल्च, प्रोट्रे मल्च का प्रयोग करेंगे तो उनको खरपतवार नियंत्रण में उतनी दिक्कत नहीं आएगी, और अगर जो नहीं करते हैं उनको खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक खरपतवार नियंत्रण या आदमी के द्वारा मैनुअली कर सकते हैं। और जब खरपतवार हटाने से हमारी पौध का उत्पादन अच्छा होता है फसल का और उपज भी बहुत ही अच्छी मिलती है। भाइयों को एक ही सलाह है कि जो भी हमारे ऐसी सब्जी फसलें हैं जिनका कि बिछड़ा उत्पादन करते हैं, उनको 4 से 6 पत्ती वाली अवस्था पे जो कि 3 सप्ताह के अंदर आ जाती है, चाहे वो टमाटर हो, बैंगन हो, मिर्च हो, जो भी रोपाई वाले पौधे हैं, क्योंकि जब हमारी पौध काफ़ी बड़ी हो जाती है तो हमारा उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान भाइयों को समय पर पौधों की रोपाई पौधशाला से या प्रोट्रे से खेत में कर देनी चाहिए।